प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन क्या है आपका, रिवर्स रिएक्शन क्या है आपका, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या चीजें हैं। आज उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट उसकी टाइप्स भी पढ़ी, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम लोग बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है। हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन इफेक्ट पे होगा, इफेक्ट में आ जाएगा हमारा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि इस साइड मूव करेगा, रिवर्स रिएक्शन जो कि आपका बैक साइड मूव करेगा। पहले तो एक क्लियर कंसेप्ट जो है यहां पे, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट वो चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करती है, वो प्रोडक्ट आपकी वो चीज है जो कि हमें एट द एंड मिल रही होती है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या, रिवर्स रिएक्शन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंबाइन करके प्रोड्यूस करेंगे रिएक्टेंट्स को। प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, मींस आपका रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखें इधर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, जबकि आपका रिवर्स डायरेक्शन कैसे मूव करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर टू, डिफरेंस नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। तीसरे डिफरेंस के अंदर हमारा जो है फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है एट इनिशियल स्टेज its speed is fast, बिल्कुल बिगनिंग के अंदर ये बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेजी से आपके रिएक्टेंट्स मिल रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में इन द बिगनिंग its speed is negligible, इसकी जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल से मुराद है जो कि नजरअंदाज की जा सके, वो स्पीड को हम लोग नेग्लिजिबल कहते हैं। लास्ट के ऊपर जो लास्ट डिफरेंस है आपका फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन पे तो द पैसेज ऑफ टाइम स्लो हो जाता है, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। और आपका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्पीड अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ लेता है, जिनके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी से फिर आपके रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड